अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर डिप्लोमेट और मैं हूं वकार शफी। गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जी हां नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसे ही फ़नकार हैं बारामूला से, जिन्होंने अपना करियर जो है बहुत छोटे से स्टार्ट किया और आज बॉलीवुड में अपने कदम जमा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उमर खान की, जो बारामूला से हैं। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम बात करेंगे शुरू उमर साहब से। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, स्वागत है आपका हमारे शो में। वालेकुम सलाम, थैंक यू सर। आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बोलिए, आप कहाँ से हैं, कैसे स्टार्ट किया आपने, क्या क्या मुश्किलात आपको झेलनी पड़ी ये करियर को परस्यू करने में, क्योंकि कश्मीर में आप देखिए इस चीज़ का बहुत कम इम्पैक्ट रहता है, तो आपके लिए हार्डशिप्स क्या रही, कैसे स्टार्ट किया आपने ये सब? जी पहले तो ये बताऊँगा, बारामूला खोजाबाग से हूँ मैं। जी जी। तो अभी करियर की स्टार्ट करूँगा एक्टिंग और मॉडलिंग की। जी जी। तो एक्टिंग मॉडलिंग मैंने एक्चुअली स्टार्ट जो मैंने टीवी का किया था वो मैंने नाइन्थ क्लास से किया था। नाइन्थ में जैसे आपको पता ही है हमारे यहाँ बारामूला में कुछ लोकल चैनल चल रहे थे, हाँ, तो उनमें मैंने वीडियो जॉकी का काम किया हुआ है। उसके बाद मैं डिग्री के लिए चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ में अभी मुझे याद है 2013 की बात है। जी जी जी। तो वहाँ पे मैंने एक कॉलेज में, हमारे प्रोफेशनल कॉलेज में, ओके, वहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं हमारे, जैसे टेक फेस्टिवल में फ्रेशर पार्टीज, वहाँ पे मैंने मॉडलिंग की और मैं कॉलेज का मिस्टर पर्सनैलिटी बन गया। जी जी। तो सभी लोगों ने मेरे को एक इंक्रेजमेंट दी, यार तेरा लुक भी अच्छा है वगैरह, तेरे में वो एबिलिटीज है, आप कर सकते हो। हाँ, आप कर आप सकते इसमें हो। मतलब अपना करियर परस्यू कर सकते हो। जी जी। तो फिर मैंने वहीं से स्टार्ट मॉडलिंग की। जी। तो ये कॉलेज में फिर मैंने कुछ मॉडलिंग स्टार्ट की, वहाँ पे मैंने पंजाबी एल्बम्स किए। अच्छा अच्छा। हाँ जी, साथ साथ डिग्री भी करनी थी। तो रीजनल के अलावा आपने दूसरे लैंग्वेजेस में भी काम किया, जैसे मैं हमने सुनने में आया कि आपने तेलुगु फिल्म्स में काम किया है। जी। और आपने रिसेंटली सलमान खान फिल्म्स का कोई वेब सीरीज जी जी वेब सीरीज में आपने काम किया है, उसका एक्सपीरियंस उसके बारे में थोड़ा सा आप शेयर अगर करें तो। जी जी बिल्कुल शेयर जरूर ही करूँगा। मैंने अभी मैं तेलुगु की बात करूँ, तेलुगु में मैंने वेंकी मामा किया था, सुरेश प्रोडक्शन की तौर से। उसमें जो हमारे स्टार कास्ट थे वेंकटेश सर हैं, ओके, और नागा चैतन्य और प्रकाश राज जी, तो जी उनके जी। साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया है, तो अच्छा लगा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिला, सीखने को भी मिलता है। सबसे बड़ी अच्छी बात है हमारे कश्मीर में वो शूट हुआ था और वो मूवी रिलीज भी हुई है तेलुगु में, ब्लॉकबस्टर मूवी है अभी। जी 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 जी। उमर साहब, जो सलमान खान फिल्म्स का वेब सीरीज आ रहा है अभी, जिसके बारे में हमने सुना है कि आपने उसमें काम किया है, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए हमारे दर्शकों को। जी, जो हमारा जो वेब सीरीज मेरी आ रही है जी, उसमें मैंने काम किया हुआ है जी, तो वो सलमान खान सर ने प्रोड्यूस किया, वो हमें रिलीज आई थिंक लास्ट वीक ऑफ दिस मार्च हो जाएगा, इस वीक के नहीं, हाँ इसी मंथ के लास्ट। अच्छा, इसी मंथ के लास्ट वीक में। जी जी। तो नाम क्या है उस सीरीज का? शॉर्ट। तो हम अपने दर्शकों को बोलना चाहेंगे कि शॉर्ट जरूर देखें, उमर साहब को देखें, हमारे कश्मीर के हैं उमर साहब, बारामूला के हैं, तो ये प्रोग्राम उनका देखें, शॉर्ट जिसका नाम है, उसमें काम किया है वेब सीरीज में, तो हम बोलेंगे सबको कि वो देखें। अच्छा उमर साहब, हम आजकल देखने को क्या मिलता है कि घर वाले जो हैं ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ के लिए अपने बच्चों को, क्योंकि यहाँ का जो प्रोसिक्यूशन है इस चीज़ के लिए, माहौल यहाँ का जो है वो सपोर्ट नहीं करता इन चीज़ों को, तो आपको कोई हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी इसको, इससे लेके, इस करियर से लेके, और आपका सफ़र कैसा रहा कश्मीर से बॉलीवुड तक का? जी जी, अपनी सोसाइटी की बात करें, कश्मीर की बात में जी चीज़ें होती रहती हैं, आपको सोसाइटी फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल। ज़्यादा हम लोग स्टडीज़ पे ध्यान देते थे, भाई आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस के ऑफिसर बनना है, वो हर जगह होता है जी। तो मैं भी इंजीनियर रही हूँ, तो मैंने कहा तो आपने इंजीनियरिंग परस्यू की यहाँ पर? हाँ जी। उसके साथ मैंने मॉडलिंग भी रखा था, एक्टिंग भी रखा था, जैसे मैंने आप बोला नाइन्थ क्लास है। जी जी जी। दूसरी बात है, जब तक आप कुछ करना जाओ तब तक आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। अब मैंने इनको करके दिखाया, मतलब आपको भी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी घर वालों की तरफ से। जी बिल्कुल। पहले तो सभी लोग इनकार ही करते थे, जब उनको देखा हमारा बच्चा कुछ कर रहा है जी, लोगों से कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, नहीं आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है, तो फिर मैंने कुछ करके दिखाया। मैंने स्टार्टिंग की बात करूँ, जैसे मैंने वीडियो जॉकी का काम किया, मैंने अपने कश्मीर में कुछ एल्बम्स की, पंजाबी एल्बम्स देखे उन्होंने एक सॉन्ग है आपका कश्मीरी पर्द रोएस आई थिंक, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बोलें, क्योंकि वो हमारा रीजनल लैंग्वेज है, उसमें आपने काम किया है और उसका व्यूअरशिप भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली इससे पहले मैंने पंजाबी सॉन्ग किए थे, जब मैंने आपको बताया मैं मॉडलिंग चंडीगढ़ में करता था। जी जी जी। तो फिर जहन में मेरे को आया, यार हम लोग बाकी लैंग्वेजेस में करते हैं, हमारा भी हमारा फर्ज बनता है कल्चर को प्रमोट करें। जी जी। तो उसके बाद मैं तब दिल्ली में था, दिल्ली से फिर मैं वापस आया यहाँ पे, फिर मैंने वो पर्द रोएस किया था, अपने प्रोडक्शन से ही किया था जी, जो एक्चुअली आपका अपना प्रोडक्शन भी है। जी जी, उसी प्रोडक्शन में किया था, उसमें जो सिंगर है एक्चुअली मैं उसमें मॉडल हूँ। जी जी। तो प्रोडक्शन अपनी, उसमें जो सिंगर हैं इमरान लतीफ़ साहब हैं श्रीनगर के हैं, और बहुत अच्छी बात है जो डायरेक्टर साहब है हमारे बारामूला के ही, वैसे
जाने पहचाने हैं, नाम तो जानते ही होंगे, अशोक नागू साहब। जी जी बिल्कुल, उनके साथ फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ काम किया, तो उन्होंने डायरेक्ट गाना किया, तो बहुत ही प्यार मिला लोगों से, अच्छा था, कुछ यूनिक भी मिला लोगों को। जी इवन अभी भी चल रहा है, अभी कुछ चैनल्स पे भी चल रहा है, नेशनल टेलीविजन पे, गुलिस्तान पे भी अभी चल रहा है, और लोगों का प्यार है, और हमारा भी फर्ज बनता है अपने कल्चर को आगे बढ़ाएं। जी उमर साहब, अगर आपके मॉडलिंग करियर के हवाले से हम बात करें, तो मॉडलिंग का जो करियर है आपका, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट किया आपने जी, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे मैंने आपको बोला, मॉडलिंग पहले स्टार्टिंग मैंने चंडीगढ़ से की, उसके बाद मैं दिल्ली गया, दिल्ली में मैंने मॉडलिंग की, उसके बाद जो मेन, तो आज बॉम्बे में ही कर रहा हूँ, तो मॉडलिंग में मैंने इंटरनेशनल शोज़ किए, मैं हेयर स्टाइलिस्ट है क्रिस पोस्टर, उनके साथ मैंने काम किया है, मैं जी रैम्प शोज़ किए हैं, मैंने प्रिंट शूट्स किए, हर एक मतलब बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं अमेज़न के लिए मैंने किए, ऑनलाइन वेब्स किए हैं, कैटलॉग शूट्स किए हैं। अच्छा, सिल्वर स्क्रीन का भी हमने कुछ सुना है कि आपने सिल्वर स्क्रीन पर भी, जैसे स्टार प्लस हो गया जी, वहाँ पर भी आपने काम किया है। जी, रिसेंटली मैंने काम किया था स्टार प्लस का, एक बहुत ही अच्छा फेमस शो चलता है कसौटी ज़िंदगी, इससे पहले एक सीरियस था उसका, उसके बाद सेकंड सीज़न है। कसौटी ज़िंदगी में मेरी इंटरव्यू हुई थी डॉक्टर की, डॉक्टर रोशन, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मतलब बालाजी का। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, हम आपके करियर को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। अच्छा उमर साहब, बॉलीवुड में आपने काम तो किया है, तो कुछ मूवीज़ के बारे में आप बोलें, शायद आपने डबिंग भी की है कुछ मूवीज़ के लिए। जी जी जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बोलिए। हाँ, बॉलीवुड की कुछ अपनी मूवीज़ मेरे को आ रही हैं जी एज एक्टर, बट वो टाइम आने पर मैं आपको इसके बारे में बात करता हूं। चलिए, उसका रिसेंटली जिसकी आप वॉइस ओवर की बात कर रहे हैं, जी जी जी, रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई जी, राकेश सावंत जो हैं वो डायरेक्टर हैं उसमें, जो राकेश सावंत के जो भाई हैं। अच्छा जी, तो उन्हें एक मुद्दा 370 जी, वो जो हमारे कश्मीर के 370 से रिलेटेड, हाँ कश्मीर पंडित भाई के रिलेटेड, मतलब पॉजिटिव ही है। अच्छा, सब कुछ अच्छा ही मूवी है जी, तो उसमें मैंने वॉइस ओवर किया कुछ कैरेक्टर्स, 4-5 कैरेक्टर मैंने वॉइस ओवर किए हैं। अच्छा उमर साहब, क्या रीज़न है कि आपका, मतलब आपने इतनी, मतलब इतना सारा काम किया है, बॉलीवुड में किया है, तेलुगु में किया है, सिल्वर स्क्रीन पे किया है, मॉडलिंग किया है, आपका इतना एक्सपोजर यहाँ पे क्यों नहीं मिला आपको, इसका कोई रीज़न आपको, मतलब एक्चुअली क्या होता है सर, यहाँ पे हमें मेंटेलिटी की मतलब चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सोसाइटी अभी अलाउ इस चीज़ को, टाइम लगेगा। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो कॉलेज करते हैं, पूछते हैं सर हमें भी इस लाइन में जाना है जी, तो मेरा यही कहना है, तो वो हार्ड वर्क कर लीजिए, फिर कल्चरल डर है थोड़ा बहुत लोगों में, नहीं ये तो हो ही, मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ती है, कोई बात नहीं, किसी को ऐसा नहीं बोलूँगा, हर एक चेंज हो जाएगा, हर एक चीज़ में मैं, हर एक फील्ड में स्ट्रगल है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगा, हर एक फील्ड में जिसको जिसको हार्ड वर्क करने की जरूरत करनी है तो हाँ करो, हर एक फील्ड के लिए, बाकी मेंटेलिटी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें, देखिए हर एक, कोई भी कोई अपना जो पैशन है उसको परस्यू करता है जी, किसी ना किसी का हाथ रहता है पीछे, आपके पीछे किसका हाथ था? मेरे पीछे मेरी फैमिली का है। अच्छा, मतलब मेन चीज़ फैमिली है। नहीं, फैमिली तो है, आपने है। अभी बोला कि वो थोड़ा फैमिली क्यों है जी, अभी मैं चंडीगढ़ गया जी, तो फैमिली की वजह से मैं पढ़ाई के लिए गया ना, वहीं पे मेरे को एज मिला ना, बट उन्होंने फिर उसको मैंने दिखाया, उसके बाद मेरे जो दोस्त लोग कॉलेज के लड़के थे या दोस्त लोग थे, उन्होंने बोला भाई तेरे में एबिलिटी है, अच्छा है दिखने में, तो कर लो, मतलब दोस्त लोग, देखा जाए तो फ्रेंड्स ने आपको एनकरेज किया इस चीज को, जिन्होंने आपके अंदर के टैलेंट को देखा। मेरे भाई है, छोटे भाई है, उनका बड़ा हाथ है मेरे पीछे, तो आपके छोटे भाई का। जी 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 जी। उमर साहब, हमारी जो अभी की जनरेशन है, मतलब हमारी जनरेशन के जो है, बहुत सारे बॉलीवुड में या सिंगिंग में, रैपिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं जी जी। तो कहीं ना कहीं उनको सोसाइटी का डर है, अपनी फैमिली का है, और सबसे बड़ा है हार का डर होता है। तो इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा उनको समझाएं कि कैसे फेस कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो शायद आपके जैसे और हमें मिल सकते हैं। बेसिकली आपको मेन चीज़ मैंने बोला, आपको मेंटेलिटी चेंज करनी है। दूसरी बात है, अगर आप कुछ अच्छा करते हैं या गलत करते हैं, लोगों को तब भी बात करनी है। जो आपको दिल किया था वो आप चीज़ कर लीजिए। अगर आपको एक्टर बनना दिल है, की सुनिए, दिल की सुनिए, अगर आपको एक्टर बनना है या कुछ रैपर बनना है, या जरूरी नहीं है आप इसी फील्ड में जाइए, कोई जो जिसमें आपको आप इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे आप डॉक्टरी में रखते हैं या इंजीनियरिंग में, IAS जो भी, व्हाटएवर जो भी हो, अगर मैं इसमें आपको क्या करना है, आपको हार्ड वर्क करना जरूरी है, और आपको पॉजिटिव सोच रखनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, अगर आप पहले थिंकिंग रखो यार मैं नेगेटिविटी में जाऊंगा, तो फिर आप कभी कामयाब नहीं होना, कभी होना ही नहीं है। जी, मैं आज लिख देता हूँ, कभी होना ही नहीं है, नेगेटिव में तो जीरो ही है, कुछ परसेंट कोई फायदा नहीं है। मैं आज अपनी बात करूँ, मैंने हार्ड मतलब जितने मैंने फेस किए हैं, मैंने हमेशा पॉजिटिव हार्डशिप्स फेस किए हैं, मैंने सिर्फ पॉजिटिव सोच से गया हूँ। मैं हमेशा जो भी मेरे सामने कुछ चीज़ आ जाती है ना, तो मैं इसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ, क्या सही क्या गलत है, हमेशा मेरी भी कोशिश, अगर राइट वे पर जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है,
साथ में हार्ड वर्क करना ज़रूरी है जी, जी। और अपने जो पैशन है आपको, जो अपना काम है जिसमें आप आगे जाना, उसके लिए प्लीज़ आप उस चीज़ की रेस्पेक्ट करिए, डेडिकेशन और खासकर रेस्पेक्ट। जब तक अपने काम को रेस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं जाओगे। बहुत अच्छी बात बोली आपने कि रेस्पेक्ट कीजिए अपने पैशन की। जी बिल्कुल जी जी। उमर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए, हमें इंटरव्यू देने के लिए और अपने व्यूज, अपना जो आपका एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने के लिए आपका एक बार फिर शुक्रिया। थैंक यू। तो नाज़रीन ये थे उमर साहब जिन्होंने अपने करियर के बारे में, अपने बारे में हमें कुछ डिटेल्स दी, बोला कि हमें अपने करियर को परस्यू करने के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए और सबसे बड़ी जो बात इन्होंने बोली कि हमें अपने पैशन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगली बार अगले कलाकार के साथ आएंगे कुछ नया लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।